हमारा ब्रेड टेस्टी डिलीशियस और सॉफ्ट बना है, बनके तैयार हुआ है। आज मम्मी लाती पाव बनाएंगे। लाती पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा 500 ग्राम, ईस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे 1 टीस्पून, बटर लेंगे 2 टेबल स्पून, कैस्टर शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून और पानी लेंगे। लाती पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, फिर सॉल्ट डाल देंगे, फिर कैस्टर शुगर को डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिला देंगे। हम लोग को मिलाना जरूरी है, अगर हम लोग मैदे में मैंने अच्छे से शुगर और सॉल्ट मिला दिए हैं, अब इसमें मैं ईस्ट मिलाऊंगी। ईस्ट मिला के इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर इसमें ऑयल मिलाऊंगी। इसे है ना, यदि आपके पास अनसॉल्टेड बटर है, जब सॉल्टेड बटर हो आपके पास इसमें सॉल्ट कम डालिए, जब अनसॉल्टेड बटर हो तो आप सॉल्ट 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। और इसमें ना पानी धीरे धीरे करके पानी डालना है, धीरे धीरे पानी डाल के इसको घोटना है। पानी हो सकता है आपका ज्यादा और कम भी लगे। इसको हम लोग ऐसे गोल घुमा लेंगे और इसको इस बर्तन में डाल करके 1 आवर के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ इसको गीले कपड़े से ढक देंगे। ये देखिए कितना फूला है, बना के इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके ऊपर दूध से ब्रशिंग करेंगे। इस ब्रेड पे अच्छे से इसमें दूध से आप ब्रशिंग कर दीजिए, अच्छे से दूध से ब्रशिंग कर दीजिए। अब इसमें इसके ऊपर तिल डालेंगे थोड़ी सी, दूध में इसे ब्रशिंग करने के बाद इनमें डालने जा रहे हैं। लाती पाव और ब्रेड बनके हो गया है तैयार।